हेलो गाइस, तो कैसे हो सब लोग। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग टॉप 5 बेस्ट MP40 प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले हैं, जिसके मदद से आपका गेम प्ले चेंज हो जाएगा। सो वीडियो को गाइस पूरा एंड तक देखना, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर दो। हम लोग ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो लाते रहते हैं। और इस वीडियो का लाइक एम रख रहे हैं गाइस 38K लाइक, उम्मीद है आप लोग 38,000 लाइक एम कंप्लीट कर दोगे। और गाइस 70% लोग अपने वीडियोस को रेगुलर देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ यार गाइस सब्सक्राइब कर दो, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। देखो 30% लोग ही सब्सक्राइब करके रखें, तो आप लोग भी थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो और 50-50 कर दो गाइस, ओके। और गाइस इस वीडियो पे 400 करके टॉप अप का गिव अवे है, और मैंने जैसे बोला था इंस्टाग्राम पे करेंगे, बट इंस्टाग्राम पे गाइस काफ़ी सारे बंदे बोल रहे हैं फेक गिव अवे कर रहा है, तो मैं वीडियो में ही कर दूंगा गाइस 400 करके। इस वीडियो पे 2 टॉप अप का गिव अवे है, तो सब लोग अपना अपना UID जरूर कमेंट। तो कैसे भी बढ़ते हैं पहला नंबर का टिप्स की ओर। तो हमारा जो फर्स्ट टिप्स है वो है गाइस डोंट यूज जॉयस्टिक, मतलब आपका कैरेक्टर जिससे मूव होता है गाइस, ये जो साइड में बटन है इससे, तो इसको आपको यूज नहीं करना। काफी सारे बंदा क्या करता है गाइस, जिधर एनिमी भाग रहा है, मान लो लेफ्ट पे भाग रहा है या राइट पे भाग रहा है, तो वो क्या करता है गाइस, अगर लेफ्ट पे भाग रहा है एनिमी तो अपने जॉयस्टिक को भी लेफ्ट पे खींच के लेके जाता है फायर करने के साथ साथ कुछ इस तरह से गाइस, ठीक है। तो इससे क्या होता है गाइस, आपका गन का जो रिकॉइल होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और एक भी गोली एनिमी को नहीं लगता गाइस, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है गाइस, ये आपको नहीं करना गाइस। तो आपको किस तरह से फायर करने में बता रहा हूँ गाइस, ठीक है, और जॉयस्टिक कहाँ पे यूज करना है वो भी बताऊंगा। तो देखो गाइस आपको फायर करना है, अपना कैरेक्टर को सीधा खड़ा करके फायर करना है, ओके, या फिर आप मूवमेंट करके भी मार सकते हो, बट कभी भी अपना कैरेक्टर को गाइस फायर करते करते जॉयस्टिक का मदद से गाइस साइड में मत खींचना, क्योंकि इससे गाइस आपका एम बहुत बड़ा हो जाता है। और एनिमी अगर रनिंग पे रहेगा, मतलब किसी लेफ्ट पे या फिर राइट पे भागेगा, और उस टाइम पे आप फायर करते करते अपने जॉयस्टिक की मदद से अपने कैरेक्टर को मूव कराओगे लेफ्ट में या फिर राइट में, तो आपका एक भी गोली एनिमी को नहीं लगेगा। तो गाइस मेरा कहने का मतलब ये है, फायर जब भी करोगे आप किसी एनिमी के ऊपर, उस टाइम पे आपका जॉयस्टिक का कोई काम नहीं है, आप जॉयस्टिक का यूज मत करना, स्टिल खड़ा होकर फायर करना। जैसे ये एनिमी देखो मेरा राइट पे भाग रहा था, तो मैंने यहाँ पे गाइस अपना फायर बटन को सिंपली राइट पे खींचा गाइस, ना कि मैंने जॉयस्टिक की मदद से अपना कैरेक्टर को लेके गया। तो गाइस आपको फायर बटन को खींचना है, ना कि जॉयस्टिक को यूज करना है, ओके गाइस। तो ये बढ़ते हैं हमारा सेकंड टिप्स की ओर। तो हमारा जो सेकंड टिप्स है वो ये है गाइस, आप में से बहुत सारे बंदे MP40 लेके फुल स्प्रे कर देते हैं एनिमी के ऊपर कुछ इस तरह से, इससे क्या होता है आपका जो एम होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, और गाइस आपका गन बहुत ज़्यादा रिकॉइल करता है, और आपका जो एम होता है गाइस वो एनिमी के बॉडी पे नहीं लगता कुछ इस तरह से। देखो गाइस कितना बड़ा हो गया मेरा एम, और यहाँ पे कितना सारा गोली लगा गाइस इस एनिमी को मारने के लिए। देखो गाइस लेवल 3 का भेस था सामने वाले एनिमी पे, बट यहाँ पे बहुत टाइम लग गया गाइस देखो, और यहाँ पे देखो मेरा एम जो है वो कितना बड़ा हो रहा है, मतलब मैं फुल स्प्रे अगर कर रहा हूँ MP40 का तो कितना बड़ा हो रहा है देख सकते हो गाइस, ठीक है। इससे आपका एनिमी को कभी भी हेड नहीं लगेगा और बॉडी भी नहीं लग सकता गाइस, ठीक है। तो आपको क्या करना है गाइस, आपको होल्ड करके फायर करना है, यानी कि मान लो आपके MP40 में 30 से 40 गोली है, तो गाइस आप क्या करोगे गाइस, उस गोली को 4-5 बार में फायर करोगे, यानी कि होल्ड कर करके फायर करना है। इससे क्या होगा गाइस, आपका जो एम होगा गाइस वो मतलब बिल्कुल भी बड़ा नहीं होगा, और एनिमी के बॉडी पे तो चिपकेगा ही चिपकेगा। जैसे देखो यहाँ पे मेरा जो एम है, यानी कि मेरा जो रेड डॉट है वो कितना छोटा है गाइस। तो आपको MP40 लेके कभी भी फुल स्प्रे नहीं करना, आपको होल्ड करके फायर करना है। जैसे इस एनिमी की देखो मैं कितने कम गोली में मार दूंगा, और सारे के सारे गोली जो है इसका बॉडी पे चिपकेगा, क्योंकि गाइस मैं यहाँ पे फुल स्प्रे नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे होल्ड फायर कर रहा हूँ, मतलब मैं पहले 4-5 गोली चला रहा हूँ, उसके बाद थोड़ी देर रुक रहा हूँ, एंड फिर से मैं 4-5 गोली चला रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है गाइज, मेरा जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और मेरा गोली जो है एनिमी के बॉडी पे चिपक ही रहा है गाइज, ठीक है। तो आपको होल्ड फायर हमेशा करना है MP40 के साथ। सो ये बढ़ते हैं हमारा थर्ड टिप्स की ओर। तो हमारा जो थर्ड टिप्स है, हेड शॉट कैसे मार सकते हो आप MP40 से ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखो गाइज MP40 से हेड शॉट मारने में कोई भी बड़ी बात नहीं है, MP40 से आप आसानी से हेड शॉट मार सकते हो, बस कुछ स्टेप को फॉलो करने से गाइज, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो स्टेप फॉलो करना है वो है गाइज थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है, एकदम शॉर्ट रेंज पे घुस जाओगे तो आप MP40 से कभी भी हेडशॉट नहीं मार पाओगे, ओके गाइस। तो आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है, एंड उसी के साथ साथ आपको क्या करना है गाइस, आपको हल्का सा ड्रैग करना है, ना कि एकदम आसमान पे लेके जाना है अपना फायर बटन को। जैसे ये एनिमी देखो सीधा सीधा भाग रहा था, तो मैंने यहाँ पे सीधा सीधा ड्रैग कर दिया और आसानी से हेडशॉट लग गया, और ज्यादा ड्रैग नहीं करना, आपको हल्का सा ही ड्रैग करना है, MP40 से बहुत ही आसानी से हेडशॉट मार पाओगे, क्योंकि MP40 से जो गोली निकलता है वो बहुत ज्यादा स्पीड से निकलता है, तो आप अगर हल्का सा ड्रैग करोगे तो आसानी से जो है हेडशॉट मार
मार सकते हो। जैसे ये एनिमी देखो भाग रहा है सीधा सीधा, तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा ड्रैग करूंगा। अगर एनिमी लेफ्ट पे भाग रहा है तो मैं लेफ्ट पे ड्रैग करूंगा हल्का सा। अगर वो राइट पे भाग रहा है तो राइट पे ड्रैग करूंगा हल्का सा। और अगर मेरा एम बहुत ज्यादा रिकॉइल हो रहा है तो मैं एक बार उठक बैठक कर लूं, और इससे मेरा बहुत आसानी से हेडशॉट लग जाएगा। और सबसे जरूरी बात, आपको जो है डिस्टेंस मेंटेन करना ही है, मतलब थोड़ा दूर से आपको मारना है। तो अभी बढ़ते हैं हमारा फोर्थ टिप्स की ओर। सो हमारा जो फोर्थ टिप्स है वो ये है गाइज, आप शॉर्ट रेंज पे कैसे MP40 चला सकते हो एंड लॉन्ग रेंज पे कैसे MP40 चला सकते हो बेहतरीन तरीके से। तो देखो गाइज, शॉर्ट रेंज पे आपको क्या करना है, शॉर्ट रेंज पे हमेशा आपको गाइज फुल स्प्रे करना है एंड जंप शॉट लेना है गाइज शॉर्ट रेंज पे। ओके, MP40 से आप शॉर्ट रेंज पे जंप शॉट लेना है एंड गाइज फुल स्प्रे करना है। इससे क्या होगा गाइज, जंप शॉट अगर आप शॉर्ट रेंज पे लेते हो तो गाइज ज़्यादातर टाइम गाइज चांस रहता है कि हेडशॉट लग जाए। और गाइज शॉर्ट रेंज पे अगर आप फुल स्प्रे करते हो, मतलब एम लॉक करके किसी भी एनिमी के बॉडी पे एम लॉक करके फुल स्प्रे करते हो, तो आपका जो कर्सर होता है गाइज वो बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा, मतलब आपका जो रेड डॉट होता है वो बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप एकदम शॉर्ट से मार रहे हो तो आप आसानी से जो है एनिमी को मार सकते हो। तो आपको शॉर्ट रेंज पे MP40 से फुल स्प्रे करना है एंड जंप शॉट लेना है गाइज। ओके, एंड आप अगर लॉन्ग रेंज से MP40 चला रहे हो यानी कि मिड रेंज से, तो आपको हमेशा होल्ड फायर करना है। इससे क्या होगा गाइज, आपका जो गोली होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा एनिमी के बॉडी पे लगेगा। और अगर आप फुल स्प्रे करते हो गाइज मिड रेंज पे, तो गाइज आपका जो गोली होगा वो बहुत ही ज़्यादा रिकॉइल होगा और एनिमी के बॉडी पे नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पे देखो गाइज कितनी आसानी से एनिमी के बॉडी पे लग रहा है मिड रेंज से गाइज, ठीक है। तो MP40 से आपको लॉन्ग रेंज यानी कि मिड रेंज से आपको हमेशा होल्ड फायर करना है। तो अभी बढ़ते हैं हमारा पांच नंबर टिप्स। तो हमारा जो फाइव टिप्स है वो ये है गाइज, आपको MP40 लेके हमेशा कवर फायर करना है। तो गाइज अगर आप MP40 लेके कवर फायर करना सीख जाओगे तो गाइज आप बेहतरीन MP40 प्लेयर बन जाओगे गाइज, ठीक है। क्योंकि MP40 गाइज कवर के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आप कवर लेके MP40 चलाना सीख जाओगे तो आप डबल बैरल वाले को भी मार दोगे आसानी से गाइज, ठीक है। मतलब MP40 एक ऐसा गन है, अगर आप कवर से मारोगे तो आप आसानी से जो है किसी को भी हेडशॉट मार सकते हो गाइज। ओके, तो आपको गाइज MP40 लेके गाइज हमेशा राइट से पिक लेके कवर फायर करना है गाइस, ठीक है। इससे गाइस ज्यादा से ज्यादा एनिमी को हेडशॉट लगेगा। और अगर आप लेफ्ट से मारने की कोशिश कर रहे हो तो गाइस लेफ्ट से आपको जंप शॉट लेना है, बट कवर फायर आपको हमेशा राइट से ही करना है गाइस, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए आपको राइट से कवर फायर करना है। और कवर फायर अगर आप सीख जाओगे तो भाई आप मतलब MP40 गॉड बन जाओगे, और देसी कट्टा वाले यानी कि M1887 वाले को भी आप मार सकते हो कवर लेके। और कवर लेके मारना गाइस कुछ इस तरह से मारा जाता है, मतलब आपको बस कवर में रहना है और कवर लेके मारने के टाइम पे ही आपका जो जॉयस्टिक है वो काम आता है गाइस, मतलब कवर पे अंदर आने के लिए गाइस। ओके, देख सकते हो मैं जॉयस्टिक के मदद से बाहर जा रहा हूं एंड जॉयस्टिक के मदद से फिर से अंदर आ रहा हूं। सो गाइस अभी मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, शेयर कर देना गाइस वीडियो को। मिलते हैं, बाय।